बदायूं से एक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई, जहां बेटी की चाहत में पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर डाला, जिससे महिला का पेट फट गया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया है। स्ट्रेचर पर लेटी इस महिला की हालत किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने की है। बेटे की चाहत में आरोपी पति ने महिला के पेट पर हाशिए से वार कर दिया, जिससे उसका पेट फट गया। आप सुनकर सहम जाएंगे कि आरोपी पति ने इसके बाद महिला को अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। महिला का भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला को भर्ती नहीं किया गया। भाई अपनी बहन को लेकर यहां से वहां भागता रहा। वो तो गनीमत रही कि बात मीडिया तक पहुंची, तब जाकर महिला का इलाज शुरू हुआ। घायल महिला के भाई रवि का आरोप है कि उसकी बहन की 5 बेटियां हैं, लेकिन पति को बेटा चाहिए, जिसे लेकर वो काफी वक्त से उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहा था। रवि के मुताबिक इस बारे में कई बार पुलिस से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी बहन के साथ घटना हुई कि पेट भर के उसका बच्चा देखा गया। 5 लड़कियां उनके पास। किसने? कभी भी इंसाफ नहीं मिला, आए दिन यही कलेश होता है। किसने किसने किया ये सब? पन्नालाल ने, मेरे भाइयों ने। कहाँ के रहने वाले हैं? नैपुर गली नंबर 3। पुलिस से शिकायत किया आपने? पुलिस से शिकायत मैंने कई बार पहले भी की है, लेकिन आए दिन यही होता है। घायल महिला के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से हमला किया गया है। फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बरेली रेफर कर दिया गया है। गंभीर घाव है पेट पर, सीने पर, उस पर घाव है, किसी धारदार हथियार से घाव है, और उसकी हालत ठीक नहीं, इलाज कर दिया गया, इसके बाद उसको रेफर करने की सलाह दी गई। उधर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में एक महिला को उसके पति ने हाशिए से वार कर दिया है। महिला को हॉस्पिटल भेज दिया गया, पति को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। ये उस दौर की तस्वीर है जब दावा किया जाता है कि बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ से जो तस्वीर उभरी है वो बताने के लिए काफी है कि आज भी हमारा समाज रूढ़िवादी विचारों से बाहर नहीं निकला।